सलाउद्दीन की आवाज पर आके घिराव किया है। वहीं उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है जिनमें उन्होंने बताया कि हमारी मांग लंबे अरसे से की जा रही है लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके मानदेय को दुगना कर देंगे, इसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया है अब तक। इसको लेकर आज यूसुफ सलाउद्दीन के आवास पर सेविकाओं ने और सहायकों ने घेराव किया है और एक मांग पर सौंपा है। आइए बात करते हैं विधायक जी से कि इनकी मांग कब पूरी होगी, इनको लेकर आप सदन में कब आवाज उठाएंगे। निरंजन जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये घेराव नहीं, हम इनको दावत दे करके बुलाया है। बहुत दिन से हमें पता चला ये लोग सारी हमारी जो बहनें हैं ये लोग अनशन मतलब बैठी हुई थी धरना पर, तो हमने उन्हें बुलाया एक वार्ता हो और इनकी जो भी जायज मांगे हैं इन्होंने हमें मांग पत्र सौंपा और इनके दुख दर्द को हमने सुना और समझा और कुछ मांगे इनकी जरूर जायज है। तो जन प्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जो मांगे हैं इनकी आवाज़ बनकर हम भी विधानसभा में जाए और सरकार के समक्ष हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे इस सरकार का जो कमिटमेंट है कि रोजगार को बढ़ाना है और उसमें आप देख रहे हैं बिहार सरकार कितना अच्छा काम कर रहा है, जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का हम लोगों ने वादा किया उसमें लगभग 4.5-5 लाख नौकरियाँ दे दी गई। तो ये भी हमारे मैनिफेस्टो में है, ये भी हमारे एक प्रायोरिटी लिस्ट में है। हम लोग कोशिश करेंगे इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। आप विधानसभा में लगातार जब जीत के गए हैं तब से अब तक कई आवाजें उठाए और कई मुद्दों पर आपने सफलता भी पाई है, ये तो आपके सामने एक छोटा मुद्दा, जब डेंगराई जी सब पुल निर्माण करवा सकते हैं तो इनकी एक छोटी मांग है। देखिए, मांग कोई भी छोटी नहीं होती है, सरकार को बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे हमने पूछा तो एक विधानसभा में लगभग 1200-1250 सेविकाएं हैं, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर बजट का एलोकेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये मांग भी पूरी होगी क्योंकि ये जायज़ मांग है। ये लोग अपना पूरा समय देते हैं, बाहर लगन से काम करते हैं और महिला सशक्तिकरण जो है हमारे मंत्री और सभी सरकार और तेजस्वी जी से भी आपका खास गुडविल है, आप खेल के साथ खेलते हैं, विधानसभा में रहते हैं तो आप तो विशेष रूप से उनको एक व्यक्तिगत रूप से भी बोल सकते हो, विधानसभा में तो आप आवाज उठाएंगे ही, आप बोल ही रहे हैं। तेजस्वी जी देखिए हमारे नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत कम समय में उन्होंने काम करके दिखाया है। आप देखिएगा जो जो विभाग उनके पास है सब में एक रिजल्ट देने का उन्होंने काम किया है और अभी भी हाल में वो सहरसा आए थे तो सहरसा में लगभग 175 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया था। और जैसा कि आपने पहले बताया टिंगराही पुल हमारे विधानसभा को मिला, 25 करोड़ की लागत से घोपसम घाट पर पीपा पुल मिलने जा रहा है। बिहार के विकास को लेकर सीरियस है तेजस्वी जी भी हैं और हम लोग सब हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के वहाँ इस बार उम्मीद करें कि अगले सत्र में आप इनके मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी जो विधानसभा सत्र होगा उसमें इस मुद्दे को हम लोग मजबूती से उठाएंगे, हम और हमारे और भी कुछ विधायक लोग मिलते हैं। चलिए, विधायक जी ने बोला कि अभी जो सत्र चलने वाला है उसके के नाते एक भाई पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है तो हम तो जरूर सोचेंगे कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है तो हम तो इनसे बहन अपने भाई से कभी उम्मीद नहीं छोड़ती है। तो अगले रक्षाबंधन में यदि इस सत्र में हम लोगों को मिल जाता है तो हम भी कर्णावती की तरह इनको भी राखी बांधने का।